गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशु सामंत ब्लॉग्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मुंबई में नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है, और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि एक लास्ट प्लान और बाकी है हमारा मुंबई में, तो आज हम जा रहे हैं सिद्धिविनायक टेम्पल। जी हाँ, कल का हमारा रिजर्वेशन है, तो हमने सोचा एक दिन और जरा घूमी कर ली जाए मुंबई में। तो फटाफट तैयार होते हैं बिकॉज सब रेडी हो गए, बिकॉज वहाँ पर अगर हम लेट पहुँचे ना तो लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि शाम वहीं हो जाएगी। तो मैं भी फटाफट जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ और बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को आगे। चलिए, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो यहाँ से एंट्री होती है मंदिर की। तो दोस्तों, अभी हम लगे हुए हैं लाइन में और सिद्धिविनायक पहुँच चुके हैं हम। और जैसे कि आज छुट्टी वाला दिन है तो बहुत लंबी लाइन है, और गर्ल्स की लाइन थोड़ी कम थी, तो इसलिए वो मेरी वाइफ और दीदी साइड से आगे चले गए और मैं और रोहित भाई यहाँ लाइन में लगे हैं अभी भी। तो दोस्तों, यहाँ से एंट्री है जो सिद्धिविनायक हम आए हैं, गणपति बप्पा के दर्शन की जो हमने करने हैं वो एंट्री यहीं से है। और आप भीड़ देख सकते हैं क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन है, 26 जनवरी है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और हम सब लाइन में लगे हैं। ये रे रोहित भाई, और ये रही हेमा दीदी, और ये मेरी वाइफ। सिद्धिविनायक के मेन गेट में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, और दर्शन करा रहा हूं आपको गणपति बप्पा मोरिया के। तो आप भी सिद्धिविनायक गणपति बप्पा के दर्शन कीजिए। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा। तो दोस्तों, दर्शन कर लिए गणपति बप्पा के, प्रसाद चढ़ा के बाहर आ गए। हेलो नायरा। चले फिर, चले चलो। तो दोस्तों, दर्शन कर लिए गणपति बप्पा के, और यहाँ पर बहुत भीड़ है आज क्योंकि 26 जनवरी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है आज। और ये पीछे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आप पे भी गणपति पप्पा की कृपा बनी रहे, गणपति पप्पा मोरिया बनाते हैं इस ब्लॉग के बाद में आगे। One hour later. तो दोस्तों, दर्शन करके बाहर आ गए हैं और जरा पैदल चल रहे हैं हम, और पैदल चलते चलते हम मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर कवर कर गए, लेकिन खाने की कोई जगह नहीं मिल रही जहाँ पर हम बैठ के खा सके। और ये देखो पीछे सवारी थक गई है। और नायरा का है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, रोहित भाई बच्चे संभालने के एक्सपर्ट है, तो नायरा को वही हैंडल कर रहे हैं जब से। हेलो नायरा, चलो लेट्स गो। तो देखो दोस्तों, फाइनली मैंने तो रंग लाई है और हमें मिल गया एक रेस्टोरेंट खाने के लिए, और वाइफ को देखो कोई मतलब नहीं है, फटाफट उसको बैग के अंदर सामान रखना और खाना ऑर्डर करना है। नायरा क्या खाओगे? गड़बड़। तो ये बर्गर को गड़बड़ बोलती है। तो चलो फटाफट ऑर्डर करते हैं और निकलते हैं यहाँ से खा पी के। तो दोस्तों, खाना वाना खा के निकल चुके हैं अब हम, और हम जा रहे हैं उल्वे रोहित भाई के घर, जहाँ पर उनकी मम्मी रहती है और उनके छोटे भाई भी रहते हैं। तो कैब करे हुए हमें आधे घंटे से ऊपर हो गया, और कुछ सवारियाँ तो ये देखो पीछे लैंड हो गए, और नायरा भी लैंड हो गई है। और रोहित भाई और दीदी जगे हुए हैं, मेरी वाइफ तो पता नहीं कहाँ पहुँची होगी अभी। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, आधा घंटा तो हमें हो चुका है अभी कैब में, और मेरे ख्याल से आधा घंटा और लगेगा।
तो वहाँ पहुँच के फिर कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को और उल्वे के दर्शन कराते हैं आपको इस ब्लॉग में। 2 hours later. तो दोस्तों उल्वे पहुँच गए थे हम, अराउंड हाफ एन आवर हो गया हमें पहुँचे हुए। और उसके बाद रोहित भैया की जो मॉम है उनसे मिलके और रोहित भैया के जो छोटे भाई है उनसे भी मिलके हम आ गए हैं नीचे। ये पीछे पूल दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर हमें जल्द से जल्द इसलिए आना पड़ा बिकॉज जो नायरा है वो जब भी इस उल्वे वाले घर में आती है रोहित भाई के, तो उसको आते के साथ ही स्विमिंग पूल में नहाना होता है। ये उसकी पहली विश रहती है पहुँचते के साथ ही। तो हम आ गए हैं यहाँ पर और वो अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम डाल के कूद चुकी है पूल में। तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा उनकी हरकतें। तो ये देखो भाई, नायरा उतर चुकी है बच्चों वाले पूल में। बोलो कुछ, आपको कैसा लग रहा है? आप जाओ। बोलो नायरा। और पप्पा के साथ साथ इसने बोला मौसी को भी बुलाओ, तो मौसी भी उतर गई है स्वेट शर्ट पहन के पूल में। इसे देखो। और भैया मुझे तो लग रही थी ठंड, तो मैं तो कूदा नहीं और हेमा दीदी ने भी मना कर दिया। दीदी कह रही हम बाहर ही ठीक है, इनको खेलने दो यहाँ पर। नायरा कितनी देर तक नहाना है? जब तक सर्दी नहीं बदलती। अभी का अभी का अब आप बाहर आओगे? नहीं। कौन है जो स्विमिंग पूल में नहाएगा? मैं। हम चलो भाई नहाओ, तुम नहाओ। नायरा और नहाना है तो आप अकेले नहाओ, हम जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पानी में? हाँ। मुझे ठंड लग रही है बेटा। नहीं, नहीं। अच्छा ये पानी गर्म करवा दो फिर आता हूँ मैं। ये पानी गर्म करवा दोगे? हाँ। करवाओ फिर, गर्म करवाओ। हाँ तभी तो मैं नहीं आ रहा। चलो चलो चलो। अरे देखो भाई, नायरा के बाहर आते के साथ ही अब कबूतरों को टाइम मिल गया नहाने का। उड़ गए, नहा दो के चले गए। और ये अभी गया एक नहा के, दो अभी भी बैठे हुए हैं। हाँ भाई नाना नहीं है? अबे नहा लो, शर्माओ मत, नहा लो नहा लो, शाबाश। ओ ये दोनों भी उड़ गए, लग रहा है शर्मा रहे हैं मेरे से। चलो चलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों पूल का हिसाब किताब हो गया डन और अब हम आ गए हैं राइड वाले सेक्शन में। और ये देखो, ये नायरा और उसकी मौसी दोनों लगी हुई है झूला झूलने में। 3 hours later. दोस्तों कल इस व्लॉग को मैं एंड नहीं कर पाया बिकॉज आपने देखा होगा कि जो भी हम सिद्धि विनायक टेम्पल गए थे इतनी ज़्यादा लाइन थी वहाँ पर, तो थक गए थे। और फिर रोहित भाई के घर गए, वहाँ पर थोड़ा घूम लिए और उसके बाद हम जब घर आए तो पूरे थके हुए थे, तो मैं तो सो गया था। और उसके बाद आज थोड़ा सा जल्दी उठना था बिकॉज पैकिंग वगैरह करनी थी, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज का रिजर्वेशन है हमारा। तो पैकिंग वगैरह हो चुकी है और शाम के है 5 बजे की ट्रेन, तो बस थोड़ा सा टाइम बिताते हैं फैमिली के साथ और उसके बाद रवाना हो जाएंगे हम दिल्ली के लिए। मुंबई सेंट्रल से हमारी 5 बजे की ट्रेन है, तो हम कल पहुंच जाएंगे दिल्ली सुबह 8:30 बजे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे दिल्ली में। और आई होप कि मैंने जितने भी यहाँ व्लॉग्स डाले, शॉर्ट्स डाले मुंबई के, आप लोगों को पसंद आए होंगे और बहुत अच्छा टाइम गुजारा मुंबई में हम सब ने यहाँ। तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे दिल्ली में। इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं एंड। पसंद आए मेरे व्लॉग्स मुंबई वाले तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे दिल्ली में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। इसी दुआ के साथ जय हिंद। देखो भाई ये शिंटी मिला है मुझे। हेलो शिंटी, क्या हाल है भाई? शिंटी को भगा दिया नायरा ने, नायरा ने भगा दिया शिंटी को। नहीं भगाया, तो मैं बबल फुला रहा हूँ।